नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय आप सबसे ऐसा नहीं है कि आप उसके विषय में नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की। आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले शायद कंप्यूटर उतना सामान्य जन को उपलब्ध नहीं था जितना आज उपलब्ध है, और कंप्यूटर समय के साथ हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में योगदान करने लगा है। आज का जो विषय है वह है कंप्यूटर, उसके प्रकार, उसके प्रमुख घटक और प्रकार। इस विषय पर मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपसे बात करूंगा। मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा विद्यापीठ में सहायक आचार्य हूं। और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो आप में से बहुत सारे लोग इस विषय में जानते भी हैं कि कंप्यूटर सामान्यतः आंकड़ों के प्रसंस्करण की एक मशीन मानी जाती है। कंप्यूटर आंकड़ों के प्रसंस्करण की एक मशीन है, और कंप्यूटर में जो भी आंकड़े हम देते हैं, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, तो इनपुट के रूप में जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम होते हैं या कुछ निर्देश होते हैं, तो उनको जो निर्देश या प्रोग्राम दिया जाता है उस प्रोग्राम के आधार पर कंप्यूटर उन आंकड़ों का प्रसंस्करण करता है, अर्थात तो उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रसंस्करण करने के बाद उसका एक परिणाम देता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर की प्रक्रिया में अक्सर ये शब्द आपने सुने हैं, इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो कंप्यूटर को जो आंकड़े हम देते हैं वो इनपुट है, कंप्यूटर जिन नियमों या प्रोग्राम का मदद लेता है वे निर्देश हैं, उन निर्देशों के आधार पर उन आंकड़ों का प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका एक परिणाम अर्थात आउटपुट देता है। और साथ ही वो परिणाम हम केवल एक ही बार नहीं देख सकते, हमको जब भी आवश्यकता पड़ती है उन परिणामों को हम देख सकें इसकी व्यवस्था भी कंप्यूटर में होती है, जिसको हम उसका भंडारण या स्टोरेज कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में कंप्यूटर को यदि परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों के प्रसंस्करण की एक ऐसी मशीन है जो दिए गए आंकड़ों अर्थात इनपुट को दिए गए निर्देशों अर्थात प्रोग्राम के अनुसार उनका प्रसंस्करण करके एक परिणाम अर्थात आउटपुट देता है, और साथ ही उनके पुनः भंडारण के लिए उनका स्टोरेज करता है। इस परिभाषा से ही आपको कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों का अनुमान लग जाएगा। यदि इस परिभाषा से हम कंप्यूटर के प्रमुख प्रकारों को बाहर निकालें तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर का पहला काम है उसको इनपुट के रूप में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उनको वो स्वीकार करे, अर्थात इनपुट द्वारा दिए गए आंकड़ों को स्वीकार करना। दूसरा, हम इनपुट के रूप में जो आंकड़े देते हैं उनका भी भंडारण करता है, सीधे प्रसंस्करण नहीं करता, तो उनका भंडारण करना, उनकी स्टोरेज करना। उनको भंडारण करने के बाद उसको जो आंकड़े दिए गए हैं उसके लिए उसको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ प्रोसेसेस से उसको फॉलो होना होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, तो उन निर्देशों या प्रोग्राम्स के अनुसार वो आंकड़ों का प्रसंस्करण करता है। ये कंप्यूटर का तीसरा कार्य है। फिर कंप्यूटर हमें परिणाम देता है, ये कंप्यूटर का चौथा कार्य है। और इन सभी प्रकारों पर, चाहे वो आंकड़ों को स्वीकार करना हो, चाहे आंकड़ों का भंडारण करना हो, चाहे दिए गए निर्देशों के अनुसार आंकड़ों का प्रसंस्करण करना हो या परिणाम के रूप में आउटपुट देना हो, इन पर नियंत्रण करने का काम भी कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों में भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोलिंग, ये सारे कंप्यूटर के प्रमुख कार्य माने जाते हैं। अगला हमारे समक्ष जो प्रश्न आता है वो आता है कंप्यूटर आखिर होते कितने प्रकार के हैं। कंप्यूटर के निश्चित प्रकार कुछ आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। यदि हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के आधारों को देखें तो एक तो कंप्यूटर को किस तरह से प्रयोग किया जाना है, अर्थात उनके अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया गया है। उस आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों पक्ष समाहित होते हैं। दूसरा, कंप्यूटरों का जो प्रकार है वह है उनके उद्देश्यों के आधार पर। जब हम उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं तो कंप्यूटर दो प्रकार के हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति उनको प्रयोग करता है, हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो किसी विशेष प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में कुछ परीक्षणों के लिए बनाए जाते हों, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हों। तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनका विशेष उद्देश्य होता है। तो उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। तीसरे होते हैं कंप्यूटर आकार के आधार पर, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। हम आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार हैं इस पर आगे बात करेंगे। पहला प्रकार जो मैंने आपको बताया वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी पुराना प्रकार है, 1970 के दशक में इसका आविष्कार हुआ और माइक्रो कंप्यूटर ही वह खोज थी जिसके कारण हमारे और आपके पास कंप्यूटर पहुंचा, अर्थात जन सामान्य तक कंप्यूटर की पहुंच माइक्रो कंप्यूटर के साथ ही हुई। क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, चाहे हमारा लैपटॉप है, या जो टैबलेट फॉर्म में कंप्यूटर आते हैं, ये सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन कंप्यूटर को हम व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में भी प्रयोग ला सकते हैं, घर के बाहर अपने दफ्तर में भी प्रयोग ला सकते हैं, कहीं हम लेक्चर देने जाते हैं तो वहाँ भी प्रयोग ला सकते हैं, अर्थात इनका आवागमन आसान है। और एक तरह से ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, हर व्यक्ति का अपना माइक्रो कंप्यूटर होता है। लैपटॉप आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है, आपके घर पे रखा डेस्कटॉप आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है, आपका टैबलेट आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। दूसरे कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, न केवल आकार में बल्कि कार्यक्षमता में भी। पहला मिनी कंप्यूटर जिसको हम PDP-8 मानते हैं, वो लगभग एक रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में फ्रिज होती है उसके आकार का था, और उसको डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, अर्थात आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उससे थोड़े बड़े होते हैं, इसकी कीमत भी उनसे ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर जो कंपनियां हैं वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो ये है कि ये कई सारे कंप्यूटर के साथ मैनेजमेंट का काम भी कर लेता है, अर्थात कई जगह जो सर्वर होते हैं वो कई बार मिनी कंप्यूटर के आकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आकार के सर्वर नहीं होते। सर्वर एक सिस्टम होता है जो उस सिस्टम से जुड़े, नेटवर्क से जुड़े और सारे कंप्यूटर जो हैं उनके साथ, उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है, उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है। तो उसके लिए जो जिम्मेदारी जिस कंप्यूटर को दी जाती है वो लगभग मिनी कंप्यूटर के आकार का कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर की एक और खूबी होती है कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा CPU होते हैं। अभी हम CPU की आगे बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जब हम कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बात करेंगे। इनकी स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। स्पीड का मतलब प्रोसेसिंग स्पीड, अर्थात सूचना देने के बाद उसका प्रसंस्करण करके उससे आउटपुट देने में जो समय लगता है वो कंप्यूटर की स्पीड होती है। तो मिनी कंप्यूटर में एक तो CPU ज़्यादा होते हैं, अर्थात प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा होती हैं, तो वो तेज़ी से प्रोसेस कर पाते हैं, इसलिए कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग आप देख सकते हैं, जो आरक्षण प्रणाली में कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, कर्मचारियों के वेतन के लिए पेरोल तैयार करते हैं जो उसका डेटा रखते हैं, खातों का जो रखरखाव रखते हैं, ये कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं जो मिनी कंप्यूटर के अनुप्रयोग माने जाते हैं। तीसरा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की तुलना मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बड़ी होती है, ये भंडारण क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही तेज़ गति से ये डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं किसकी तुलना में, सुपर कंप्यूटर की तुलना में, लेकिन बड़े होते हैं किसकी तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में। इनकी जो खूबी होती है वो होती है इनकी डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड, अर्थात आंकड़ों के प्रसंस्करण की गति। आंकड़ों के प्रसंस्करण की गति और क्षमता माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना मेन फ्रेम कंप्यूटर की बहुत अधिक होती है। इसलिए बहुत बड़ी कंपनियों में, बैंकों के मुख्य कार्यालयों में, सरकारी विभागों में जो केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स की एक खूबी होती है, थकते नहीं है, बिना थके निरंतर कार्य कर सकते हैं, 24 घंटे लगातार कार्य कर सकते हैं, सैकड़ों यूजर्स एक साथ इन कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुप्रयोगों के लिए जब हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है तब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एक और खूबी होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क में बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे हमें उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना है, अब किसी एक संस्था की बहुत सारी दुकानें अलग अलग जगह हैं,
और उन दुकानों पर कुछ सामान उपभोक्ता खरीदते हैं और वो उस दुकान पर उसका सामान का बिल बनाया जाता है, लेकिन उन सबका इकट्ठा आंकड़ा एक कंप्यूटर जो देख रहा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर तक आता है। भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिल भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स के डिटेल्ड विस्तृत ब्यौरे रखना, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रमुख इस्तेमाल हैं। बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे IBM 4381 बहुत फेमस मेन फ्रेम कंप्यूटर रहा है, फिर ICL 39 सीरीज जो कंप्यूटर की है वो भी एक महत्वपूर्ण सीरीज है, और CDC साइबर सीरीज जो है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। चौथा जो है वो है सुपर कंप्यूटर। हम सब सुपर कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, कुछ कहानियाँ भी सुनी हैं, भारत में परम जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में भी हमने सुना है। सुपर कंप्यूटर अरबों खरबों गणनाएं एक साथ कर सकता है, बहुत प्रसीजन के साथ, बहुत सटीकता के साथ गणना करता है। ये एक चित्र है सुपर कंप्यूटर का जो मैंने आपको दिखाया। सुपर कंप्यूटर आकार की दृष्टि से भी सबसे बड़े होते हैं, कई बार पूरे एक कमरे के बराबर हो सकता है इनका आकार। इनकी संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, इनकी गति बहुत अधिक होती है, इसमें सैकड़ों CPU हजारों CPU एक साथ पैरेलल समांतर क्रम में एक साथ कार्य कर सकते हैं, इसीलिए सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों में, शोध प्रयोगशालाओं में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उच्च गुणवत्ता वाले एनिमेशन चित्रों के निर्माण में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो सुपर कंप्यूटर भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। इसमें जो गणनाएं की जाती हैं वो बहुत उच्च कोटि की शुद्धता उनमें होती है। इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, वो बहुत जटिल होती हैं और हाई डिग्री ऑफ प्रसीजन, उच्च कोटि की शुद्धता इनमें पाई जाती है, जो केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने सुना ही है, मैंने जिक्र भी किया, भारत में परम नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, भारत में ही तैयार किया है। और परम कंप्यूटर का जो रीसेंट विकसित जो अभी रूप है उसको परम 10,000 बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सुपर कंप्यूटर भी दुनिया में हैं, जैसे क्राई 1 है, CRAI XMP क्राई, XMP 2 है, NEC 500 है। लगभग बहुत सारे विकसित देशों के पास अपने सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन जब भारत को आवश्यकता हुई और भारत में सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई तो भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि हम अपना सुपर कंप्यूटर स्वयं तैयार करेंगे ताकि उसके सारे नियंत्रण हमारे साथ रहें, और भारत ने परम जैसे सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एक कंप्यूटर में मुख्यतः, अब हम बात करते हैं एक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के प्रकारों की बात हो गई। एक कंप्यूटर में मुख्यतः तीन प्रकार की इकाइयां होती हैं। एक होती है गणितीय तार्किक इकाई, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, और तीसरी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। यदि आप कंप्यूटर की संरचना देखें तो आप ये मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर का CPU होता है, अर्थात मॉनिटर के बराबर में रखा जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, आयताकार बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई, ये दोनों उसमें होती हैं। तो CPU बेसिकली ALU और CU गणितीय तार्किक इकाई और नियंत्रण इकाई को मिलाकर बनता है। गणितीय तार्किक इकाई का जो काम है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं ये करता है, अर्थात जो गणितीय गणनाएं करनी है, जो गणितीय प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर को, वह इस इकाई का काम है। साथ ही जहां पर उसको लॉजिकल सीक्वेंसिंग करनी है, क्योंकि जब कंप्यूटर जो होता है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब उसमें उसकी बुद्धि को मानव ने निर्मित किया, लेकिन वो एक बुद्धिमान तंत्र है। यदि उसको बहुत सारे कार्य दे दिए जाएं तो वो तय कर लेता है कि उसको कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य बाद में करना है। वो लॉजिक अप्लाई करता है, केवल सीधी गणितीय गणनाएं ही नहीं करता। तो गणितीय गणनाएं करने और तार्किक प्रोसेसिंग या तार्किक प्रसंस्करण के लिए जो इकाई जिम्मेदार है उसको ALU या एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। साथ ही कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका नियंत्रण, कंप्यूटर से जुड़े जो विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका नियंत्रण, तो उसके लिए उसमें एक यूनिट होती है जिसको हम कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट सारे आंकड़ों के प्रसंस्करण का नियंत्रण, उसको जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं उन प्रोग्राम्स के अनुसार ही उसमें प्रोसेसिंग हो उसका नियंत्रण, उसको कहाँ स्टोरेज होना है उसका नियंत्रण, साथ ही कंप्यूटर से जुड़े हुए जो विभिन्न उपकरण हैं उन उपकरणों की कार्यप्रणाली का नियंत्रण। तो ये जो नियंत्रण का काम है, ये कंट्रोलिंग का काम है,
ये नियंत्रण इकाई और कंट्रोल यूनिट कहती है, और दोनों जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रखी होती हैं। यदि आप एक कंप्यूटर को देखें और कंप्यूटर की प्रक्रियाओं की जब मैंने बात की, उसके प्रकारों की बात की थी शुरुआत में, उनको ध्यान में लाएं, तो आप देखेंगे कंप्यूटर मुख्यतः चार प्रकार के काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मेमोरी। तो कंप्यूटर के घटक भी यही चार महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इनपुट घटक, प्रोसेसिंग अर्थात प्रसंस्करण से जुड़े घटक, आउटपुट से जुड़े घटक और मेमोरी अर्थात जो उसकी स्मरण शक्ति है उससे जुड़े घटक। एक एक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये चित्र देखिए, चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आपको एक डिजिटल कैमरा दिख रहा है, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम के समय जो रिमोट पकड़ते हैं वो दिख रहा है, आपको एक माइक दिख रहा है, एक माउस दिख रहा है, एक जॉकी स्टिक दिख रही है, एक कीपैड दिख रहा है या एक स्कैनर दिख रहा है। अब जरा याद करिए और ये सोचिए कि आप कंप्यूटर पर जब काम करने बैठते हैं तो कंप्यूटर तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, कंप्यूटर में किस रूप में अपनी बात पहुंचाते हैं? या तो कंप्यूटर में हम कुछ टाइप करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। या हम कोई चित्र भेजना होता है तो वो चित्र स्कैन करते हैं, तो स्कैनर के माध्यम से वो कंप्यूटर तक जाता है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। या माउस, माउस से हम तय करते हैं कि कौन सी फाइल हमें खोलनी है, कौन से बटन को हमें क्लिक करना है, तो उसके लिए भी जो हम अंदर चीज़ें भेजते हैं कंप्यूटर में, माउस एक इनपुट डिवाइस है। यदि हम साउंड भेज रहे हैं कंप्यूटर को तो माइक एक इनपुट डिवाइस है। उसके बराबर में जो आप देख रहे हैं वो टच पैड है, जो बहुत सारे खासतौर पर जो डिज़ाइनर्स के काम है, जो डिज़ाइनिंग के काम है, उसके माध्यम से होते हैं, डिजिटल टच पैड है। तो हमें कोई चित्र बनाना है तो इस डिजिटल पेन की मदद से, ये जो डिजिटल पैड दिख रहा है इस पर हम बनाते हैं और वो सीधे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। या जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हों या किसी दोस्त से बातचीत करते हों इंटरनेट के माध्यम से, तो उस दोस्त तक अपना चेहरा पहुंचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर में लगा कैमरा, या तो कंप्यूटर के ऊपर कैमरा लगा होता है या आजकल लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा आते हैं। तो ये कैमरा भी क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। अर्थात जब हम इनपुट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्पष्ट चित्र होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करते हैं। दूसरा जो इसका आयाम है वो है प्रोसेसिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग कहाँ होती है? प्रोसेसिंग होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कभी आपने कोई कंप्यूटर ये देखा हो तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं उनके बराबर में एक रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार बॉक्स होता है और सारी चीज़ें आप उसी से जोड़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन का प्लग भी उसी में लगाते हैं, अपना माउस भी उसी से जोड़ते हैं, अपना कीपैड भी उसी से जोड़ते हैं, आपको स्पीकर चाहिए स्पीकर भी उसी से जोड़ते हैं। अर्थात इन सारे उपकरणों की प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन वो बॉक्स जिम्मेदार नहीं है, उस बॉक्स के अंदर कुछ होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ मेमोरी होती हैं, कुछ चिप होती हैं। आपने माइक्रोचिप का नाम सुना है, यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं इंटेल कोर i7 का, इस प्रकार की बहुत सारी ये माइक्रोचिप, ये जितनी एडवांस होती हैं कंप्यूटर उतना स्ट्रांग या उतना तेज प्रोसेसिंग वाला माना जाता है। और माइक्रोचिप जब से बनी और ये जितनी छोटी बनती चली गई कंप्यूटर उतना छोटा होता चला गया। साथ ही कंप्यूटर में आप जो उसके बराबर में एक बड़ा चित्र देख रहे हैं उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग के उपकरण हैं वो सब इसके ऊपर ही होते हैं, इनके बीच ही उसमें संबंध निर्मित होते हैं। तो प्रोसेसिंग से जुड़े उपकरण जो हैं वो माइक्रोचिप और मदरबोर्ड ये कहलाते हैं। जो इसका तीसरा भाग है वो है आउटपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर में जो आंकड़े देते हैं, जो जानकारियां देते हैं, जो चित्र देते हैं, जो प्रोग्राम इनपुट करते हैं, वो इनपुट जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो हमें दिखता कैसे है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है? यदि वो एक ऑडियो है तो हमें कैसे सुनाई देगा? हमें कंप्यूटर से स्पीकर जोड़ना पड़ेगा तो स्पीकर से आउटपुट आएगा, या हमें हेडफोन कनेक्ट करना पड़ेगा तो हेडफोन से आउटपुट आएगा, अर्थात स्पीकर और हेडफोन क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हो गए। या उसकी जो स्क्रीन है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग से यूनिट से जुड़ी हुई स्क्रीन है, लैपटॉप में भी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर में भी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर हमें कुछ दिखाई देगा, वो दिखाई देगा तब हमें पता लगेगा, अर्थात स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। या हमने कंप्यूटर से किसी ओवरहेड प्रोजेक्टर को जोड़ रखा है, उस प्रोजेक्टर से हम कहीं भाषण दे रहे हैं, हम कहीं कक्षा में कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो
प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। या कई बार किसी ने हमें कुछ भेजा और उसका हमने प्रिंट निकाला, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो वो प्रिंटर क्या है? वो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब तक हमने इनपुट डिवाइस की बात की, प्रोसेस जहाँ होती है उन उपकरणों की बात की, और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनकी बात की। कंप्यूटर में मैंने शुरू में जब कंप्यूटर के प्रकारों की बात कर रहा था तब बताया था कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि उसमें आगे के प्रयोग के लिए चीज़ें सुरक्षित हो जाती हैं, संरक्षित हो जाती हैं, और साथ ही हम उसको जो इनपुट देते हैं वो भी वो पहले उसको रिकॉर्ड करता है, अपने पास रखता है, फिर उसको प्रोसेसिंग को भेजता है। तो इसको मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक वो जो कंप्यूटर के अंदर होती है और एक वो जो कंप्यूटर के बाहर हो सकती है। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम बोलते हैं, और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी या रोम बोलते हैं। कंप्यूटर पर जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तब रैम चल रहा होता है, उसको जब हम सेव कर लेते हैं तो वो रैम से रोम, रैम को कई बार प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और रोम को सेकेंडरी मेमोरी या एडवांस मेमोरी भी बोला जाता है। साथ ही कुछ सहायक मेमोरी भी होती हैं। आजकल हम कंप्यूटर के साथ कुछ मेमोरी डिवाइस भी इस्तेमाल करने लगे, जैसे हार्ड डिस्क हम अलग से ले लेते हैं, फ्लॉपी में पहले रखते थे चीज़ें, अब तो फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने की, और मैग्नेटिक टैप शुरू में हुए थे, मैग्नेटिक टैप से फ्लॉपी डिस्क आई। यदि हम इसकी यात्रा जरा सा मैं जिक्र करूं तो आप देखिए मेमोरी डिवाइसेस कितनी तेज़ी से बदले। कभी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े मैग्नेटिक टैप में रखी जाती थी, फिर वो छोटी फ्लॉपी डिस्क आ गई, फ्लॉपी डिस्क से हम कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको सीडी बोलते थे सीडी की तरफ चले गए, सीडी की भंडारण क्षमता फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा थी। फिर एडवांस आए, हम सीडी से कहाँ चले गए, हम चले गए डीवीडी की तरफ, डिजिटल वीडियो डिस्क की तरफ, उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगी, चार पांच सीडी के बराबर जानकारी आप एक डीवीडी में एकत्र करने लगे। फिर डीवीडी के बाद एक नया आविष्कार हुआ फ्लैश ड्राइव का, हमने पेन ड्राइव इस्तेमाल फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। शुरू में 2 GB 1 GB का फ्लैश ड्राइव आता था, आज 32 GB 64 GB 128 GB तक के फ्लैश ड्राइव आते हैं। और हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है कि हार्ड डिस्क जो है वो छोटे से बड़े तक कई कई टेराबाइट तक के हार्ड डिस्क आने लगे हैं। तो ये जो हैं ये सारे मेमोरी उपकरण हैं। चित्र में यदि आप देखें तो आपको जो पहला चित्र दिख रहा है वो एक रैम का चित्र है, वो प्राइमरी डिवाइसेस है। उसके बाद देखिए पेन ड्राइव है, एक और मेमोरी डिवाइस है जो आजकल इस्तेमाल होता है पेन ड्राइव और डिस्क के अलावा, जिसको मेमोरी कार्ड कहते हैं, आपके फ़ोन में आजकल इस्तेमाल होता है, मोबाइल कैमरा में आपके इस्तेमाल होता है, जो डिजिटल कैमरा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, और फिर वो कंप्यूटर में भी लग जाता है। तो इस तरह से ये जो मेमोरी उपकरण हैं ये भी बहुत सारे हैं। मित्रों आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि कंप्यूटर के आधारभूत तथ्य क्या हैं, एक कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर कितने प्रकार से कार्य करता है, मुख्यतः कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, जहां हमने बात की उनके अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण की, उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण की, और उनकी विशिष्ट उपयोग के आधार पर वर्गीकरण की। फिर हमने जाना कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है। हम एक माइक्रो कंप्यूटर की भी बात की जो हमारे आपके घर में उपलब्ध है, ऑफिस में उपलब्ध है, आपके पास व्यक्तिगत कंप्यूटर है, लैपटॉप के रूप में है। फिर हमने सुपर कंप्यूटर की बात की और परम 10,000 जैसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स की बात की, जो कि बड़े बड़े नाभिकीय विश्लेषणों को भी करता है, बड़े स्तर पर जो प्रयोग होते हैं उनके आंकड़ों की परिशुद्धता के साथ उनका प्रसंस्करण किया जाता है। उसके बाद हमने बात की कंप्यूटर में कौन कौन से कार्यात्मक घटक होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी के डिवाइस क्या होते हैं, और कंप्यूटर कैसे काम करता है। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके पास जो कंप्यूटर उपलब्ध है आप उसके पास जाएंगे और उसको देखेंगे, और उसमें फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज की चर्चा में हमने जिस प्रकार के उपकरणों की बात की वे उपकरण आपके कंप्यूटर में कहाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये परिचर्चा आपको कंप्यूटर के आधारभूत घटकों और उसके आधारभूत प्रकारों को समझने में मदद करेगी, और आप कंप्यूटर का बेहतर इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से, चाहे वो शैक्षिक अनुप्रयोग हैं, चाहे वे अपने आपके व्यक्तिगत अनुप्रयोग हैं, दोनों में कर पाएंगे। आपने मेरी इस चर्चा को बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।